क्या आपको पता है कि कोल्ड वॉर की ऑफिशियल शुरुआत कब हुई, या कौन है वो शख्स जिसने कोल्ड वॉर की शुरुआत कर दी या उसका पूरा आइडिया दे दिया? उस शख्स का नाम है जॉर्ज केनन। दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह और कोल्ड वॉर की कहानी के तौर पे हम एक ऐसे थिंकर को लेने वाले हैं जिसके एक टेलीग्राफ से अमेरिका का पूरा परसेप्शन बदल गया USSR के बारे में, और वो बहुत ही इम्पैक्ट रखता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज केनन की, जो एक रियलिस्ट थिंकर माने जाते हैं, जो एक डिप्लोमेट भी थे, एक हिस्टोरियन भी थे, और उनकी कहानी की शुरुआत के साथ हम देखते हैं। उनका जन्म हुआ है 1925 में, उन्होंने ग्रेजुएशन किया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से और फिर वो फॉरेन सर्विस में चले गए। 1946 में वो एक लॉन्ग टेलीग्राफ भेजते हैं जहाँ पर वो हाईलाइट करते हैं कि USSR कैसे प्लान कर रहा है USA के अगेंस्ट, और वही आधार बनता है बाद में उनका रसिया और USA के रिलेशन के बीच में। फिर उनको 1947 में डायरेक्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट बना दिया गया, और इस लॉन्ग टेलीग्राफ में उन्होंने कंटेनमेंट पॉलिसी के बारे में बातें करी थी। फिर 1947 में उनका एक आर्टिकल X पब्लिश होता है फॉरेन अफेयर्स में, आर्टिकल X इसलिए क्योंकि वहाँ पे उन्होंने नाम नहीं डाला था, और उन्होंने जो विजडम थी कि USSR को अपीच करते हैं, इस आइडिया को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, इसलिए भी ये रियलिस्ट हैं। सिमिलर बातें मॉर्गेंथ्यू कर रहा था, मॉर्गेंथ्यू ने बोला था कि आपको इस तरह से सिंपलिस्टिक पॉलिसीज नहीं बनानी चाहिए, इतनी ऑप्टिमिस्टिक आधार पे जो चीज़ें यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं वैसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। अब देखते हैं तो इनके बारे में जानते हैं। दो वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक टाइम करेक्टराइज हुआ था जहाँ पे टेंशन थी USSR और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। वो टेंशन के बीच में जॉर्ज केनन निकल के आते हैं, एक ब्रिलियंट डिप्लोमेट स्ट्रेटजिक थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स दी इन दोनों के रिलेशन में, वो कैसे प्रभावित हुए इन चीज़ों को। तो उनके दो जो मुख्य काम हैं उनमें द सोर्स ऑफ सोवियत कॉन्डक्ट, और जिसे हम लॉन्ग टेलीग्राम बोलते हैं, और इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि USSR क्या क्या कर रहा है, USA के अगेंस्ट USA को क्यों प्रिपेयर रहना चाहिए, और जो भी USA सोवियत का कॉन्टैक्ट था उसके बारे में पूरी जानकारी दी, जो बाद में कंटेनमेंट पॉलिसी का आधार बना, जो बाद में कन्वर्ट होता है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में। फिर एक इनका आर्टिकल द एक्स आर्टिकल जो हम बातें करते हैं, जो सेमिनल टेक्स्ट है जो सेंट्रल आइडिया और इन्फ्लुएंस रखता है USA की अंडरस्टैंडिंग जो USSR को लेके है उसके ऊपर। फिर इनका एक आइडिया है कंटेनमेंट डॉक्ट्रिन का, केनन का कॉन्सेप्ट का जो कंटेनमेंट का है वो ये कहते हैं, वो उनके एक पॉलिटिकल थॉट का तो फाउंडेशन है। उनका कहना है कि सोवियत यूनियन जो है एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज है उसके पास, कि वो अपने आसपास के जोन में फैलेगा, इसलिए यूनाइटेड स्टेट को एक फर्म और मेजर्ड रिस्पॉन्स देना चाहिए USSR की इस पॉलिसी का, और इसी वजह से उन्होंने बताया कि आपको पॉलिसी आप कंटेनमेंट लाना पड़ेगा, जो इस बात पे जोर देता है कि कैसे स्प्रेड ऑफ सोवियत को रोका जाए, उसके इन्फ्लुएंस को रोका जाए, और अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए फ्री वर्ल्ड में। अब इसी के तहत फिर बाद में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन अगर आपने सुना होगा, जहां पे वो कंटेन करने के बारे में बातें करते हैं, कुछ और वर्ड यूज होते हैं उस दौर में, लेकिन ओवरऑल जो इनका आइडिया है वो है कि हमें USSR को कंटेन करना है। फिर ये एक दो तीन और आइडियाज होते हैं क्योंकि ये खुद डिप्लोमेट होते हैं, तो ये स्ट्रेस करते हैं क्रूशियल रोल ऑफ डिप्लोमेसी के बारे में, IR में डिप्लोमेसी के बारे में मॉर्गेंथ्यू भी बोलता है, वो बैलेंस ऑफ पावर के बारे में भी बोलते हैं। ये बिलीव करते हैं कि जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है और डीप अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं हम लोग को ज़रूरी है एक इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए और अननेसेसरी कॉन्फ्रंटेशन बचाने के लिए। इम्फेसिस करते हैं डिप्लोमेसी का कि एक टूल है जिसे आप पीस प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टेबिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आइडियलिस्टिक टच भी है इनमें अगर ये डिप्लोमेसी के बारे में बातें करें। रिलीजन और ह्यूमन नेचर के बारे में जो डीप नेचर जो मॉर्गेंथ्यू की अंडरस्टैंडिंग थी, वैसे काफ़ी हद तक उनकी सिमिलर जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो क्लियर आइड रियलिज्म के बारे में हम बात करते हैं। इनका पूरा जो योगदान है वो दो आर्टिकल्स जो हमने बताए हैं, एक तो लॉन्ग टेलीग्राम और दूसरा आर्टिकल X, दोनों आर्टिकल में जो आइडियलिस्टिक लोग थे USA पॉलिसी मेकिंग में, जिनको लग रहा था दुनिया बेहतर हो सकती है, कंट्रीज जो होंगी वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ के कोऑपरेट करेंगी, सोवियत कोऑपरेट करे, ऐसी सारी बातों को इन्होंने क्रिटिसाइज किया और उसको सवाल खड़ा किया कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं USSR वैसे नहीं सोच रहा है, USSR अपने आसपास की कंट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये पॉलिसीज जो हैं वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कोरिया में USSA ने किया, जो कोरिया वॉर था उस दौरान USA ने जो किया, या जो बाद में आपको बहुत सारी पॉलिसीज में वियतनाम वार में दिखेगा, ये सारी चीज़ें इसी एक कंटेनमेंट आइडिया का पॉलिसी था कि कैसे आप USSR के नज़दीक वाले जितने जोन है वहाँ पे आप थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, उन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, सोवियत का कंट्रोल नहीं बढ़ना चाहिए। कोरिया वार में भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लड़ाई है उसमें साउथ कोरिया की तरफ से USA जाता है
मैकआर्थर रहता है, वो सारी चीज़ें करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल जो पॉलिसी थी, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, वो प्रैक्टिकल ग्राउंड में भी कन्वर्ट हुई है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है या जैसे भी, तो ये एक थिंकर ऐसे हैं जो ना सिर्फ थिंक करते हैं, बस उसको कन्वर्ट भी कराया उन्होंने पॉलिसी मेकिंग में। तो ये पॉलिसी मेकर से अर्ज करते हैं कि आपको ज़्यादा बेटर थिंक करके अप्रोच लेना चाहिए, जिनमें आप हिस्टोरिकल लीगोसी को भी कंसीडर करें, कल्चरल डिफरेंसेस को कंसीडर करें और पावर स्ट्रगल को कंसीडर करें। उन्होंने चैलेंज किया जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग्स है और आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के बारे में बातें करी। जब हम कंक्लूड करते हैं इनके बारे में क्या क्या बातें इन्होंने की है, तो उसमें से ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के बारे में, कोरिया वार, वियतनाम के बारे में इनका जो इम्पैक्ट है, और अगर आपको इसको बेहतर समझना है कि कंटेनमेंट क्या होता है, तो अगर आप चाइना को देखेंगे, चाइना इंडियन ओशियन में इंडिया को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के आसपास घेराबंदी कर रहा है। वो श्रीलंका में दो तीन पोर्ट हैं, जिसमें से एक पोर्ट है हम्बनटोटा, फायरू करके एक पोर्ट है म्यांमार में, वहाँ बना रहा है। बांग्लादेश में एक पोर्ट है चिटगांव, वहाँ पे बना रहा है। तो इन सब जगह उसने अपने बेस बना दिए हैं। मालदीव में भी इसने एक बेस बनाया था, और इसके पहले जब वहाँ पे यामीन की गवर्नमेंट थी, अब्दुल्ला यामीन की, उस गवर्नमेंट में भी वहाँ पे उसने एक प्लेस लिया था जहाँ पे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था मालदीव को। अभी इब्राहिम सोली है जो भारत के पक्ष में। तो इस तरह की पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट बाद में भी दिखता है, इंडिया ने काउंटर में कुछ बनाए हैं। तो ओवरऑल जब हम जॉर्ज कॉर्नन की बातें करेंगे, तो उनकी जो इनवैल्यूएबल इंसाइट्स हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेके, रियलिटीज़ को लेके वर्ल्ड अफेयर्स का, उसके बारे में जानेंगे, उनकी कंटेनमेंट पॉलिसी के बारे में जानेंगे। ज़्यादा सवाल इनकी कंटेनमेंट के बारे में आता है कि कंटेनमेंट पॉलिसी का आइडिया कहाँ से आया, किसने दिया, और जॉर्ज कॉर्नन की हिस्ट्री के बारे में जो बातें थी वो तो आप सबने जान ही ली। तो लगातार ऐसे थिंकर्स, ऐसे की जो फैक्टर्स थे, की लोग थे वर्ल्ड वॉर में, IR में, उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद जो की इवेंट्स है वर्ल्ड अफेयर्स में, वो कवर करेंगे। इस तरह वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज या इंटरनेशनल रिलेशन की जितनी सीरीज है वो चलती रहेगी। लगातार ये वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आप लोग का सपोर्ट जितना मिलेगा उतना बेहतर होगा, और यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है, तो आपको थोड़ा सा प्रमोट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि मेरे पास मोटिवेशन रहे कि मैं ये वीडियो बनाता रहूं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मेरा नाम है संदीप सिंह।